everyone, this is Shahbaz and I welcome you all to Grasp Ncert. So in this video, we are going to learn the third chapter of 12th Geography, Population Composition. So without wasting any time, let's start. Look, when we say population composition, we are referring to those points which composes a population, ठीक है? जिनसे मिलके population बनी होती है, हम उन points को refer कर रहे होते हैं जब हम population composition word का use करते हैं, या फिर वो characteristic features जो एक population में पाए जाते हैं, जो अभी हम इस slide में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब हम population composition का word का use कर रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, हम किस context में population के बारे में बात कर रहे हैं, वो various context हैं, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की इंट्रो में बस ऐसी एक ही पॉइंट है जो कहता है पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रेस्पेक्ट्स, क्वाइट ऑब्वियस बात है, ठीक है। और वो कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनमें कंट्री के पीपल डाइवर्स हैं और जो मिलके पॉपुलेशन को कंपोज करते हैं, वो है एज, अलग अलग एज ग्रुप के लोग पाए जाते हैं हर एक कंट्री में, ठीक है। बच्चे पाए जाते हैं और जवान यूथ पाई जाती है, और उसके अलावा बूढ़े बुजुर्ग भी पाए जाते हैं हर एक कंट्री में, ठीक है। और इन सब की नीड्स अलग अलग हैं, इन सब के लाइफस्टाइल्स अलग अलग हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना जरूरी हो जाता है जब भी हम पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करते हैं किसी भी कंट्री की। उसके अलावा अलग अलग सेक्स पाए जाते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इन सब की भी नीड्स अलग अलग हैं, इन सब का भी लाइफस्टाइल अलग अलग है ना, और इन सब की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करेंगे किसी भी कंट्री की और पॉपुलेशन स्टडी करने की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें इन सबको डिस्टिंग्विश करते हुए चलना पड़ेगा, और यही वो सब फैक्टर्स हैं जो मिलकर एक पॉपुलेशन को कंपोज करते हैं, पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। उसके अलावा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अलग अलग जगहों में अलग अलग लोग पाए जाते हैं, और उसके साथ उन अलग अलग जगहों के लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं, जैसे हॉट प्लेसेस पे रहने वाले लोगों की अलग अलग नीड्स होंगी और कोल्ड प्लेसेस पे रहने वाले लोगों की अलग अलग नीड्स होगी, और उनके लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज भी अलग अलग तरह की होंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग पाए जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, ठीक है, शॉपकीपर्स, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में भी अलग अलग सेक्टर्स में लोग पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब के लिए भी अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पीपल, कुछ हाईली लिटरेट, हाईली एजुकेशन, हाईली क्वालिफाइड होते हैं एजुकेशन में, है ना, कुछ हाईली इलिटरेट होते हैं, ठीक है। तो उन सब लोगों के लिए भी अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम मेन स्ट्रीम से उन लोगों को अलग कर दें जो इलिटरेट है, उनके बारे में कोई पॉलिसी बनाए ना, ठीक है। उनको मेन स्ट्रीम में, यानी उनको लिटरेसी में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होगी ना, और जो हाईली लिटरेट लोग हैं उनसे कंट्री को कैसे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने जरूरी हो जाती है जब हम डिस्टिंग्विश करने पे आते हैं अपनी पॉपुलेशन को। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज वहां के लोग कितनी साल की जिंदगी गुजारते हैं, तो हम इसमें अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी है तो हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, वाया डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंसेज, ठीक है। तो इन सब चीजों का पढ़ना जरूरी हो जाता है जब हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं या फिर किसी भी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग को स्टडी करते हैं, सो दैट वी कैन मीट ऑल द डिमांड्स रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सेक्स कंपोजिशन। तो बेस्ड ऑन सेक्स और बेस्ड ऑन जेंडर, हाउ द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज इज कंपोज्ड, ठीक है। तो इस बारे में हम बेसिकली बात करने वाले, एक चीज में क्लियर कर दूं, जब हम सेक्स कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ मेल और फीमेल की पॉपुलेशन को अकाउंट में लेंगे, ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन को अकाउंट में नहीं लेंगे हम पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है कि नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, एक इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ वुमेन और मेन किसी भी कंट्री के, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है सेक्स रेशियो के बारे में, जो बेसिकली सेक्स कंपोजिशन किसी भी एरिया की दर्शाता है। तो रेशियो बिटवीन, इंपॉर्टेंट है समझिएगा ध्यान से, कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, वो होता है सेक्स कंपोजिशन, ठीक है, सेक्स रेशियो, सॉरी। तो फॉर्मूला इन सम कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज में ये फॉर्मूला यूज होता है कि सेक्स रेशियो कंपोज कैलकुलेट करने के लिए, टोटल मेल पॉपुलेशन अपॉन टोटल फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो फार्मूला यूज होता है, और जब भी मैं सेक्स रेशियो की बात करूंगा तो वो सेक्स रेशियो बेस्ड होगा इसी फार्मूले पे, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला। तो फार्मूला इंडिया में कौन सा यूज होता है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसका बेसिकली मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी 1000 मेल्स की पॉपुलेशन पे आपको कितनी फीमेल्स देखने को मिल जाएंगी ऑन एवरेज, उसको हम सेक्स रेशियो इंडिया में कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट सेज सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी। जाहिर सी बात है कि सेक्स रेशियो से हमें यह पता लगता है कि उस कंट्री या उस स्टेट में वुमेन का स्टेटस कैसा है,
जाहिर सी बात है कई कंट्रीज में फीमेल फीटीसाइड या फिर फीमेल जीनोसाइड की वजह से वहां का फीमेल पॉपुलेशन काफी कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वहां का सेक्स रेशियो कम हो जाएगा, तो इससे भी ये पता चलता है कि वहां पे फीमेल्स के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। लेकिन हर कंट्री में ऐसा तो नहीं होता, कुछ कंट्रीज में सेक्स रेशियो काफी हाई होता है, वहां पे नंबर ऑफ वुमेन काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे वुमेन का स्टेटस काफी बेटर होता है। तो अगर हमें ये जानना हो कि स्टेटस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक होता है, तो वहां का सेक्स रेशियो ये हमें बताने में काफी मदद कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात की जाती है एनसीईआरटी में कि ऑन एन एवरेज जो वर्ल्ड का सेक्स रेशियो है वो 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, ठीक है। वैसे देखने में तो ये काफी नजदीक लग रहा होगा, लेकिन जब इसको वर्ल्ड की लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 6 बिलियन पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है ना, तो ये 10 नंबर का फर्क मल्टीप्लाई होते होते कई लाखों करोड़ों का फर्क बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब इस स्मॉलर नंबर को लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाए तो ये ग्रेटर डिफरेंस ला देता है। तो ये 990 पर 1000 मेल्स ये भी एक मतलब मोस्ट फेवरेबल सेक्स रेशियो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लेटविया, एक कंट्री है, मैप में आपको दिखी होगी, एनसीईआरटी में बताया गया कि इसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो बताया गया है, ठीक है। इसका सेक्स रेशियो है 1187, यानी 1187 फीमेल्स आपको दिख जाएंगी पर 1000 मेल्स। और उसके अलावा सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो बताया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिसकी कैपिटल दुबई है, ठीक है, इमेज में आपको दिख गया होगा। तो इसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो बताया गया 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा है पुराना वाला, ठीक है, जो एनसीईआरटी पब्लिश हुई थी 2011 में शायद, है ना, तो ये उसका डेटा है। नया डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नया डेटा 2018 का यूएन का, उसके हिसाब से नंबर फर्स्ट पे जो कंट्री है, ठीक है, वो है मार्टिनिक, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। उसके अलावा लेटविया का थर्ड नंबर है, और रशियन फेडरेशन जो रशिया है उसका भी काफी बेटर रैंक है, सेक्स रेशियो में 8 रैंक है उसका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडिया का रैंक काफी खराब है, 191, ठीक है, रियलिटी है, इसको हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। मतलब जब हम स्टडी करते हैं किसी भी एरिया की या इंडिया की बात करें, तो इंडिया का रैंक काफी है इसमें, मतलब काफी हद तक खराब ही है, ठीक है। इंडिया में 92 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, लेकिन जब 100 मेल्स है, सॉरी 92 फीमेल्स पर 100 मेल्स, इसमें डाटा अलग अकाउंट से दिया हुआ, इस फॉर्मूले के हिसाब से नहीं दिया हुआ है ना, जो हम इंडिया में यूज करते हैं। तो 100 मेल्स पे हमें सिर्फ 93 फीमेल्स देखने को 92 फीमेल्स दिखने को मिल जाएंगी इंडिया में, लेकिन जब भी हम ये नंबर बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये काफी बड़ा नंबर निकल के आएगा, तो बहुत बड़ा गैप दिख जाएगा आपको मेल और फीमेल पॉपुलेशन के दरमियान में। उसके अलावा हम जब लोवेस्ट नंबर की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेकंड लास्ट नंबर पे आ जाती है ना, और उसके लास्ट नंबर पे आ जाता है कतर का, जहां पे सिर्फ 32 फीमेल्स आपको दिखेंगी 100 मेल्स पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा, 92 के अराउंड हो जाए, 98 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है, 98 फीमेल्स पर 100 मेल्स। उसके अलावा जो यूएन की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग 139 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें सेक्स रेशियो फेवरेबल टू फीमेल्स है, और 72 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अनफेवरेबल टू फीमेल्स है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अगर ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें फेवरेबल टू फीमेल्स है, तो ओवरऑल वर्ल्ड का सेक्स रेशियो कम क्यों है, ठीक है, 990 फीमेल्स क्यों है। उसकी वजह यह है कि जिन कंट्री, ये जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं जिसमें फेवरेबल टू फीमेल्स है सेक्स रेशियो, इन कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और ये जो कंट्रीज हैं जिनमें अनफेवरेबल टू फीमेल्स है, इनमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज आती है जिनमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे चाइना और इंडिया, इसी में काउंट होती हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है उन कंट्रीज की, तो इसकी वजह से वहां पे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो होता है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ कंट्रीज तो कम ही है जिसमें अनफेवरेबल फीमेल सेक्स रेशियो है, लेकिन और अगर वर्ल्ड की एवरेज पे देखें तो सेक्स रेशियो वहां पे कम हो जाता है। और इन जनरल अगर हम बोलें एशिया में लो है सेक्स रेशियो, ठीक है, और अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पे हाई है सेक्स रेशियो। उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे मेल डेफिसिट है, यानी मेल लोगों की कमी है एज कम्पेयर टू देखा जाए अगर फीमेल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरोप वगैरह एरियाज में देखें तो यहाँ पे वुमेन का काफी बेटर स्टेटस है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सेक्स रेशियो से। अगर यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें, जनरली डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में मेल डेफिसिट पॉपुलेशन इसलिए है, मेल्स की वहां कमी इसलिए है, क्योंकि वहां मेल्स आउट माइग्रेशन काफी ज्यादा इन सर्च ऑफ वर्क एटसेट्रा, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका फीमेल स्टेटस बेटर नहीं हुआ, लेकिन मेल डेफिसिट की वजह यह है कि वहां पे मेल आउट माइग्रेशन काफी ज्यादा है, और यूरोपियन कंट्रीज में जनरली फीमेल का वुमेन का स्टेटस बेटर ही है। सेकेंड टॉपिक इज एज स्ट्रक्चर, या हम इसको एज कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो बेस्ड ऑन एज पॉपुलेशन कैसे ओवर द मेनलैंड बटी हुई है, अलग अलग एज ग्रुप्स के पीपल कैसे एक ही कंट्री में आपस में बसते हैं, इस बारे में हम जनरली इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो एज स्ट्रक्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन और इन अ कंट्री, ठीक है, बहुत ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो याद देख लेते हैं हम। जो 15 से 59 ईयर्स वाली पॉपुलेशन होती है उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, और जो ग्रेटर देन 60 ईयर्स की पॉपुलेशन होती है उसको हम एजिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, जिनकी एज काफी बढ़ रही होती है, ठीक है,
और उन लोगों को रिक्वायर होता है मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये बात बहुत ऑब्वियस सी है, ठीक है। और जाहिर सी बात है इंडिया में रिटायरमेंट का टाइम भी मोस्टली ज्यादातर जॉब्स के लिए 60 ईयर्स ही होता है। उसके बाद बात करते हैं कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी अगर एरिया में हाई प्रोपोर्शन होगा यंग पॉपुलेशन का, उसका मतलब ये होता है कि उस रीजन में हाई बर्थ रेट है और पॉपुलेशन वहां की यूथफुल है। अगर हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ बेसिकली एक एज ग्रुप होता है जो यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन किया हुआ है 15 ईयर्स से 24 ईयर्स, ठीक है, 15 से 24 ईयर्स के जो भी लोग होंगे उनको हम यूथ बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है मैप पे वो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट सब टॉपिक अंडर एज स्ट्रक्चर इज एज सेक्स पिरामिड। जब हम एज सेक्स पिरामिड की बात करते हैं तो हम एक ऐसे ग्राफ के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे हम एज सेक्स पिरामिड कहते हैं, और वो रेफर करता है, एज सेक्स पिरामिड इज अ ग्राफ विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। देखिए हमने एज स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने लोग हैं वो तो पढ़ना ही है, लेकिन हम एज स्ट्रक्चर के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि उस डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने लोगों का सेक्स मेल है और कितने लोग उसमें फीमेल है, ठीक है। तो एज के साथ साथ हम सेक्स का स्ट्रक्चर भी एज स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ लेते हैं, और इसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एज सेक्स पिरामिड कहलाता है। पिरामिड इसलिए जनरली बोलते हैं क्योंकि इसकी मेनली शेप एक पिरामिड जैसी होती है। वो कैसे होती है हम अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो एज सेक्स पिरामिड होता है इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड भी बोलते हैं इन जनरल वे, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड या जो एज सेक्स पिरामिड होता है इज यूज्ड टू शो एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, ठीक है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने मेल पॉपुलेशन है और कितनी फीमेल पॉपुलेशन है किसी भी पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जो शेप होती है पॉपुलेशन पिरामिड की, ठीक है, शेप से हम मुराद कर रहे हैं अलग अलग तरह की शेप्स होती है पॉपुलेशन पिरामिड में। जैसे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए अलग सी एक बिल्कुल पिरामिड जैसी शेप होती है, उसके बाद कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन में बेल शेप आ जाती है, उसके बाद डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में भी एक अलग शेप होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसी अलग अलग शेप्स होती है। तो ये जो अलग अलग शेप्स होती है पॉपुलेशन पिरामिड की, ये रिफ्लेक्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स से ये मुराद है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में अलग अलग सेक्स यानी बोथ मेल और फीमेल के कितने कितने लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एज ग्रुप्स में जाहिर सी बात है कुछ कंट्रीज में कुछ सर्टेन एज ग्रुप में ज्यादा लोग होंगे, कुछ कंट्रीज में सर्टेन एज ग्रुप में कम लोग होंगे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाएंगे उनकी एज सेक्स पिरामिड के। तो ये उनकी शेप को चेंज कर देता है इनकी पॉपुलेशन पिरामिड की। तो ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द पिरामिड शोज परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड राइट साइड ऑफ द पिरामिड शोज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन ईच एज ग्रुप। ये कैसे होता है ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट आस्पेक्ट विच कम्स अंडर द एज सेक्स पिरामिड, जो तीनों में से सबसे पहला है वो है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का एज सेक्स पिरामिड होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है एंड इज टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। टिपिकल मीन्स यूजुअल ऑफ, यूजुअली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका एज सेक्स पिरामिड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की टाइप का होता है जो ट्राइंगुलर शेप में होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्राइंगुलर होता है शेप में यानी एक पिरामिड जैसा दिख रहा होता है। और अगली पॉइंट कहता है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैव लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप्स ड्यू टू हाई बर्थ रेट। ये तो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें हाई बर्थ रेट पाया जाता है, ठीक है। इसी एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको और अफगानिस्तान। देखिए नाइजीरिया का आपको एज सेक्स पिरामिड इमेज में दिख रहा होगा, ये 2003 का, देखिए इसमें जो बेस है काफी ज्यादा ब्रॉड है और ऊपर जाके आस्ता आस्ता टेपर करने लगता है यानी नैरो होता जाता है। अब ये तो काफी पुराना है, अगर मैं आपको रिसेंटली का दिखाऊं मतलब तो अफगानिस्तान का आप देख सकते हैं, ये 2015 का अफगानिस्तान का आपको एज सेक्स पिरामिड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया का भी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड होता है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो ये हमें पढ़ के ये सब पता लगता है कि जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं यानी कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है यानी जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं उनका पॉपुलेशन पिरामिड एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड इज ऑफ कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन का जो एज सेक्स पिरामिड होता है वो बेल शेप्ड होता है एंड टेपर्ड टुवर्ड्स टॉप, जैसे हम टॉप की तरफ जाते हैं वो नैरो होता जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट कहता है कि बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ नियर कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, और ये जनरली देखा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल कर जाते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नियरली जीरो ही होता है और पॉपुलेशन नियरली कॉन्स्टेंट रहती है थ्रू आउट द ईयर, और अगर ग्रो करेगी भी तो बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज से ग्रो करेगी, काफी स्मॉल परसेंटेज से। इसकी एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसका इमेज में आपको दिख रहा होगा, इसका एज सेक्स पिरामिड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो पुराना है, 2017 का देख लीजिए,
उसके बाद आपको ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल एक बेल जैसा दिखता है, ठीक है। उसके अलावा कनाडा का आपको अभी दिख रहा होगा इमेज में, ये भी 2017 का एज एक्सपेरिमेंट है कनाडा का। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखिए ये जितने भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है ना, ये सब हैं डेवलप्ड कंट्रीज और इनकी पॉपुलेशन थ्रू आउट द ईयर नियरली कांस्टेंट रहती है, नियरली कांस्टेंट, ठीक है। और अगर बढ़ेगी भी काफी कम परसेंटेज की वजह से काफी कम परसेंटेज से बढ़ेगी, ठीक है। काफी कम ग्रोथ रेट होता है इन कंट्रीज का, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है काफी हद तक। नाउ थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड इज ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जिन कंट्रीज की होती है उनका एज सेक्स पिरामिड कैसा होता है ये हम देखेंगे। जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एज सेक्स पिरामिड होता हैव नैरो बेस एंड अ टेपर्ड टॉप। इमेज में आपको दिख रहा होगा इनका बेस नैरो होता है, ठीक है, यानी सिकुड़ता जाता है अगर हम सेंटर से बेस की तरफ आए, सेंटर से बॉटम की तरफ आए, और अगर हम टॉप की तरफ जाएंगे तो टॉप भी नैरो होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, ठीक है। ये क्या शो करता है कि देखो जो नैरो बेस होता है ना एज सेक्स पिरामिड में, वो शो करता है लो बर्थ रेट, और टेपर्ड टॉप शो करता है लो डेथ रेट। तो बेसिकली उन कंट्रीज में लो बर्थ रेट होता है और डेथ रेट भी लो होता है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज या फिर वो कंट्रीज जिनका जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होती है, ठीक है, तो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ यूजुअली जीरो या फिर नेगेटिव होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए लिखा गया है क्योंकि मेनली इसमें जो कंट्रीज आती है वो हाईली डेवलप्ड है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। लेकिन इसमें यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह नहीं आती है, यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां का बर्थ रेट थोड़ा सा हाई है, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट पॉपुलेशन मानी जाती है, और हालांकि वो भी एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए यहाँ पे ये यूजुअली वर्ड का यूज किया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कनाडा, जापान, नॉट कनाडा, इट्स जापान, इट्स जापान, नॉट कनाडा, इट्स जापान। एज एक्सपेरिमेंट ये तो पुराना है, 2015 एज एक्सपेरिमेंट आपको इमेज, ठीक है। उसके अलावा आपको अभी रशिया का दिख रहा होगा, ठीक है, इमेज में आपको रशिया का एज सेक्स पिरामिड दिख रहा होगा 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो अभी तक हमने एज सेक्स पिरामिड में एक्सपेंडिंग, कांस्टेंट और डिक्लाइनिंग तीनों टाइप की पॉपुलेशंस का एज सेक्स पिरामिड पढ़ लिया है ना। तो ये सब इनके सभी आपको मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये सब दिखने में कैसे होते हैं पिरामिड्स, ठीक है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और इनमें जो पॉपुलेशन होती है उसका ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, ठीक है, पहले आपको शेप याद रखनी है और वो शेप क्या इंप्लाइज करती है वो भी याद रखना है। उसके अलावा ये याद रखना है कि उसका पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न कैसा है, और आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है एज सेक्स पिरामिड के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, एनसीईआरटी का एक बॉक्स कंटेंट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजिंग पॉपुलेशन। नाम से आपको पता लग गया होगा हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। देखिए एजिंग पॉपुलेशन बेसिकली का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन, जो लोग उम्र में काफी ज्यादा है, ग्रेटर देन द 60 ईयर्स ऑफ एज है ना, उनका प्रोपोर्शन में बढ़ जाना, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑल अदर एज ग्रुप्स, उनका प्रोपोर्शनली एज ग्रुप बड़ा हो जाए, ठीक है, सबसे ज्यादा लोग उसी एज ग्रुप के पाए जाएं उस कंट्री में, तो उसको एजिंग पॉपुलेशन, एजिड पॉपुलेशन कंट्री कहा जाता है, ठीक है। और ये फिनोमेना 20th सेंचुरी में, ये प्रोसेस 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा देखा गया है, ठीक है, और 20th सेंचुरी से पहले ये फिनोमेना देखने में नहीं आया था, और ये मोस्टली देखा गया है डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है ये होता क्या है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसकी मेन वजह ये है कि देखिए जैसे जैसे 20th सेंचुरी आती गई, ओवर द टाइम मेडिसिनल एडवांसमेंट्स की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई हो गई डेवलप्ड कंट्रीज में। जाहिर सी बात है वहां पे साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया कि वहां पे बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयां वगैरह बना ली गई, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए नए नए मेथड्स निकाल लिए गए बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से, ठीक है, पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन होता है रिडक्शन इन बर्थ रेट्स। देखिए जैसे जैसे कंट्री डेवलप करेगी ना, वो सोशली भी अपलिफ्ट होते जाएंगे, और जो कंट्री सोशली अपलिफ्ट करती है वो फैमिली प्लानिंग जरूर करती है, फैमिली प्लानिंग उनके डेली रूटीन का पार्ट होता है ना, तो अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली ही बच्चे पैदा करेंगे, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, है ना। तो बर्थ रेट जाहिर सी बात है डेवलप्ड कंट्रीज में कम होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं ना, तो उसकी वजह से बर्थ रेट कम हो गया, लेकिन जो हायर एज के लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, तो ये प्रोपोर्शन में यहां से बढ़ते जा रहे हैं और ये प्रोपोर्शन में जो बच्चे लोग हैं यहां से घटते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है या जो सबसे लार्जर शेयर है पॉपुलेशन में वो एजड पॉपुलेशन का होता है। कौन सी कंट्रीज में? ज्यादातर ये देखा जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन, यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड गिव योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन पार्ट टू एंड डू रिवाइज फॉर बेस्ट प्रिपरेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।